गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 एट क्लास देख सकते हैं यहाँ पे है। एट क्लास का ये चैप्टर नंबर 7 है, इसका नाम है घन और घनमूल। मैं यहाँ लिख देता हूँ घन और घनमूल। तो बेटा इसके अंदर घन और घनमूल वाले चैप्टर में हम करने वाले 7.1 के अंदर की क्या क्या चीज़ ज़रूरी है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे। देखो कैसे यहाँ पे इसने कहा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। मैं थोड़ा पास फैला के आपको दिखा देता हूँ, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। 216, 128, 1100 और एक संख्या और है आपकी 46656। और उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी किताब लेकर बैठे होंगे, जिससे किताब कॉपी निकाल लीजिए अगर नहीं निकाली है तो, ताकि आप हाथों हाथ इसको समझ सकें और लिख सकें। ओके बेटा, तो इस वाले में पॉइंट्स अब देखते हैं क्या है। घन और घनमूल के अंदर हमें पहला पॉइंट उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो बेटा पूर्ण घन के लिए लास्ट तारीख कितनी है हमारी, 3 तारीख 10वां महीना 2022। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा उसने कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन जानने के लिए हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। फर्स्ट वाली संख्या है 216, तो 216 का मतलब यहाँ पे हुआ कि आप इसे माइनस, या तो तरीका होगा एलसीएम निकालें 216, एक तरीका और है उसको बाद में बताते हैं, देखते हैं उसका तरीका क्या रहेगा। दो यहाँ पे पहले 2 से कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। और देखो जब भी किसी के संख्या का एलसीएम निकालते तो बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन्हीं संख्याओं से उसको डिवाइड करते हैं, इसके अलावा किसी संख्या से उसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो 2 से भाग करते 2 धाम 20, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, फिर यहाँ पे आएगा 2 दुनी 4, क्या आएगा 2 दुनी 4 और 1 बचेगा 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नेम 27 और 3 3 9 और 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 3 का जोड़ा, 3 3 का एक वो बन गया, समूह बन गया, ग्रुप बन गया। तो 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 3, मीन्स ये पूर्ण घन संख्या है, यह है एक पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है। आप ये लिख सकते हैं, सेकंड वाला पॉइंट देखें इसमें क्या कहता है। सेकंड वाले में 128 बोला, 128 का भी आप एलसीएम निकालेंगे तो 128 का निकाल लेते हैं, 128 इतना ही निकाल लेते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 दुनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दुनी 4, 2 एकम 2। तो आप देख सकते हैं ये 3 संख्याएं, ये 3 संख्या, लेकिन ये 2 खाली रह गया। तो इसका मतलब 128 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3, 3 के समूह में आ गया, ये भी 3 के समूह में, लेकिन ये वाला 2 अकेला रह गया, इसलिए हम लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, नहीं है। तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट में देखो, इस मतलब सेकंड पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट में 1000 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000। तो अब थर्ड पार्ट में 1000 लिखेंगे, 1000 के लिए आप एलसीएम निकालेंगे। तो देखो तरीका, या तो आप एलसीएम निकालें 1000 के लिए, एलसीएम निकाला तो 2 5 10 00 और 2 2 4 और 2 5 10 और 2 5 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर कट करेंगे 2 6 12, 2 2 नहीं 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10, 5 5 25 और 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5। ओके, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो हम कहेंगे हाँ ये भी एक क्या है, पूर्ण घन संख्या, हाँ यह है पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या हमने इसमें लिख लिया। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ में कहा 100, क्या 100 भी एक पूर्ण घन संख्या है। तो 100 को हम जानते हैं 2 2 4 5 20 5 100,
तो मतलब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, देखो 100 का एलसीएम निकालेंगे वही तरीका, 2 5 10 0, और फिर 2 से 2 2 4 2 5 10, फिर 5 से 5 5 25, और फिर 5 एकम 5, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास है 4 6 6 5 6, तो इसमें भी तो देखना है हमारे सही दिखा दे। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट है 4 6 6 5 6। ओके, 4 6 6 5 6 का जब हम अब एलसीएम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे पहले लास्ट में 6 दे रखा है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 और 2 3 6, 2 3 6 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 1 2, 1 5 13 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 1 5 2 6 12, 2 4 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 5 10, 2 3 2 8 16, क्यों 1 हो जाएगा 2 8 16, 2 3 6 और 2 2 4, फिर 2 2 4, 2 2 18, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 6 8, 2 5 10, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, फिर देखो अब ये तरीका है, इनको एक बार जोड़ कर देख लो, 7 और 2 9 और 9 18, 18 बन गया, इनको जोड़ने के बाद इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 1 बचेगा 12, 3 3 2 6, 3 4 12, और 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, तो इस तरह से हमने पूरा निकाल लिया 4 6 6 5 6। इसका एलसीएम कितना आएगा देखो, यहाँ पे 2 की पावर कितनी 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 2 बार, 2 की पावर 3 2 बार, 2 की पावर 3 ले 2 बार लिख लिया, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3, इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी मतलब इसमें टोटली आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो आप बेटा ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसने कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत आसान तरीका है इसका, देखते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं फिर देखें कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट 2 4 3 हमने यहाँ ले लिया, 2 4 3 हमें मालूम हो रहा है 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे 4 और 3 7 और 2 9, इनको जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, तो आप 9 कितने से कटता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 बार रहेगा। तो यहाँ देखो आप हम यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ पे 2 बार 3 है। अब एक काम और आपको यहाँ पे बड़ा प्यारा सा करना है कि आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि कैसे इसको सोल्व किया जाए, कैसे समझा जाए। मतलब देखो इसने कहा कितने से गुणा करें, तो मतलब यहाँ पे पावर 3 है, इसकी पावर 3 लाने के, पावर 3 का बात है जब 3 3 बार हो, 2 3 बार हो, कोई भी संख्या 3 बार है तो उसकी पावर कितनी होगी 3 होगी। मान लो x भी 3 बार है तो मतलब वो भी x भी कितनी बार है, x की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी पावर 3 लाने के लिए हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। और पावर 3 क्यों लाना है, क्यों, पूर्ण घन संख्याएं वो होती हैं जिसमें 3 3 का समूह बनेगा, कितने कितने का बनेगा, 3 3 का समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा। तो हम कहेंगे 2 4 3 को 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त के लिए हमने क्या करना पड़ा, 3 से गुणा करनी पड़ी। अब 3 से गुणा करने का मतलब हुआ, अच्छा यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी थोड़ा किसी मैंने अगर पीछे नहीं लिखा है तो पीछे वाले में बता दूँ, यस इस वाले में जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्ण घन संख्या, यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर ऐसी, यस इट इज ए परफेक्ट, यहाँ पे लिखे नो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके बेटा, इस तरह से आपके कंप्लीट हो गया मतलब ये वाला पॉइंट। सेकंड कहते हैं हम सेकंड में लिख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश में, ताकि दोनों तरह के बच्चों के लिए हेल्प हो सके, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर
स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, वी मल्टीप्लाई बाय 3, 2, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 3, we get a perfect cube number, a perfect cube number. इस तरह से 2, 4, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें क्या नंबर मिल गया, 3 की पावर 3 हो जाएगा. ओके बेटा, अब इसी तरीके से ये वाला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. तो इसी की तरह सेकंड वाला पॉइंट कहते हैं 256 वाला. 256 सेकंड पॉइंट क्या है, 256. अब 256 का एलसीएम निकालते हैं. 256 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, ओके टू फाइव सिक्स के लिए बेटा मैं यहाँ पे क्या करना है ध्यान से देखेंगे. तो 2 से 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 तिया 6, 2 दुनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दुनी 4, 2 एकम 2. इस तरीके से आ गए यहाँ पे. तो अब इसको हमने देखा यहाँ पे, इसका भी जोड़ा, इसका भी पेयर वो बन गया ग्रुप, इसका भी ग्रुप बन गया, इसका नहीं बना. तो 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 2. तो यहाँ पे फिर वही लिखेंगे, यहाँ पे 247 को लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे 256. सबसे छोटी संख्या 2 है, संख्या 2 है, 243 को 2 से गुणा करने, सॉरी 256 को, 256 को 2 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण घन संख्या हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी. तो इस तरीके से हमें एक चीज़ ये मालूम होगी कि पूर्ण घन संख्या के लिए हमें क्या करना है कि 2 से गुणा करनी पड़ेगी. अच्छा यहाँ पे आप देखो एक चीज़ और से नबली, जिसे यहाँ पे हमने लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, वी मल्टीप्लाई बाय 3, तो वी गेट 243, तो वी गेट परफेक्ट क्यूब नंबर. सेम यहाँ लिखोगे वी गेट परफेक्ट क्यूब नंबर. हाउ, तो 256 इंटू में 2 और आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 हो जाएगा. ओके बेटा, तो इस तरह से हमने ये वाला सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लिया. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट 72, उसके बाद 675 और उसके बाद में हमारा 100. तो 72 के लिए आप देखो एलसीएम निकालेंगे 72 का 72 ऐसे कर लेते हैं, फोन तो थोड़ा ये भी जाएगा. 72 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3 जा 6, 2, 6 जा 12, फिर यहाँ पर फिर 2 से, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नीम 18 और 3 तिया 9, 3 एकम 3. तो यहाँ पे क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 तो हो गई नहीं, तो 1 और 3 चाहिए. तो फिर आप वही लैंग्वेज लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई थ्री, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर. ठीक है, 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, ठीक है बेटा, ये भी डन हो गया.
सेकंड वाला 6 7 5 6 7 5 कैल से हम निकाल लेते हैं। अच्छा इसका एक चीज़ करके दिखाया नहीं, 72 × 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ओके तो 6 7 5 का निकाल लेते हैं, कौन सा पॉइंट है हमारे पास, फोर्थ वाला पॉइंट है ये। यस फोर्थ सिक्स, ये फोर्थ है और ये थर्ड था हमारे पास। 6 7 5 को ये 5 से करेंगे, 6 7 5 को कितने से करेंगे, 5 से, तो 5 5 और ये 17 हो जाएगा, 5 3 15, 2 5 25, 5 2 10, 5 7 35 और फिर 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, मतलब 5 हमारे पास 5 × 5 रह जाएगा, लेकिन 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है, 3 का ग्रुप तैयार हो गया भाई। तो बेटा यहाँ पे देखा कि 3 की पावर 3 हो गई यहाँ पे, मतलब 3 का जो है ग्रुप बन गया, लेकिन 5 का ग्रुप नहीं बना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 5, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके परफेक्ट क्यूब नंबर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी में 5 से 6 7 5 को गुणा करने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। 6 7 5 × 5 = 5 की पावर 3 × 3 की पावर 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 के 6 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद 100 भी रह गया अभी। ओ ये फोर्थ पार्ट भी अभी मैं करना था, 100 वाला बचा हुआ है। ओके 100 वाला सोल्व करते हैं, 100 वाले के लिए देखते हैं अभी। 100 वाले हैं बेटा यहाँ पे, आपने अभी थोड़ी देर पहले 2 × 2 × 5 × 5 इसका एलसीएम निकाला था, तो अभी जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कहाँ निकाला है, ये रहा है, रहा यहाँ पे 100 का एलसीएम आपने यहाँ फाइंड आउट किया था। तो इसी एलसीएम का आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं दोबारा एलसीएम नहीं निकालूंगा, ठीक है बेटा, तो उसी एलसीएम का यूज़ करके आगे चलते हैं। तो ये हमने लिख लिया, तो हमें यहाँ पे कितने से देखो, यहाँ पे 2 की पावर भी 3 नहीं है और 5 की पावर भी 3 नहीं है, तो 2 × 5 × 10 बोथ साइड्स 10 का मतलब 2 × 5, 2 डिजिट चाहिए हमें, 2 भी चाहिए और 5, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट ए परफेक्ट क्यूब नंबर 100 को 10 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब आप देख सकते हैं कैसे होगी, 100 × 10 = 2 की पावर 3 × 5 की पावर। अच्छा बोल दिया था लेकिन लिखा नहीं। तो थर्ड वाला पार्ट करते हैं इसका, थर्ड वाले में देखो क्या कहा है इसमें, थर्ड वाले पार्ट में कहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे एक बार, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एक लिख लेते हैं यहाँ पे संख्या, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और पॉइंट है हमारा फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें लिखना है 2 4 3। इसे क्या हुआ लाइट को, ओके 2 यहाँ पे हमारा 81 क्या है, 81 डिजिट है, तो 3 3 9 3 27 3 81। अगर एलसीएम निकालेंगे, आप पहले भी निकाल चुके हैं तो आपको पता होगा, 3 का ग्रुप तो बन गया 3 की पावर 3 × 3 रह जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 इफ
इफ वी डिवाइड बाई थ्री डिवाइड बाई इफ वी डिवाइड बाई थ्री 281 वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर अ परफेक्ट क्यूब नंबर। ओके बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर हम 81 को 3 से भाग करें, 3 से भाग करें तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी प्राप्त होगी। ओके, अब इस तरह से हमारा नेक्स्ट वाला है 128, सेकंड में लेंगे 128। तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, 1 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर एक 2 खाली रह गया, तो मैं लिखें 2 की पावर 3 × 2। तो आप वही लिख लेंगे यहाँ पे, इफ वी डिवाइड बाई, चलो लिख देता हूँ, इफ वी डिवाइड डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 3 2 ना लिखें, 3 लिखें 2 टू 128, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर हम 128 को 3 से भाग करें, 2 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ओके, थर्ड वाला पॉइंट क्या था इसका, हमारा थर्ड पॉइंट में क्या है, 135 कितना है, 135 को लेंगे यहाँ पे और 135 में करते हैं 135 का एलसीएम, तो 5 × 10 पाँच सत्तर पैंतीस, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 3 × 5 मतलब 5 एक्स्ट्रा है हमारे पास में यहाँ पे, तो यहीं पे लिखें इफ वी डिवाइड बाई 5 टू 135, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर हम 135 को 5 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। ओके, अब एक और पॉइंट लेते हैं इसका, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है 192 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 192 में क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे 2 × 18, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 4, 2 × 8 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 इसका 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप मतलब 2 की पावर 3 × 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि 3 फालतू है हमारे पास। तो हम लिखेंगे इफ वी डिवाइड बाई 3 टू 192, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर हम 192 को कितने से डिवाइड करें, 3 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। लास्ट है 3704, क्या है लास्ट, 704 देख सकते हैं आप यहाँ पे,
सेवन फिफ्थ वाले में 704, तो 704 के लिए एलसीएम निकालते हैं। 704 के लिए हम 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 8, 2 6 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2। यहाँ पे इसका पेयर तो 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 11। हम एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि क्या कि इसके अंदर हम जो करने वाले हैं यहाँ पे, देखो कितनी इजली हो जाएगा अभी, तो यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, 11 से। तो इफ़ वी डिवाइड, इफ़ वी डिवाइड बाय 11 टू 704, वी गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर हम 704 को 11 से भाग करें तो हमें एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 704 डिवाइड बाई 11, तो हमें पावर 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3 मिलेगा। 192 वाले केस में डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें, तो बेटा यहाँ पे क्या था, जो डिवाइड बाई 192 डिवाइड बाई 3 तो करेंगे 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो उसमें यहाँ बताया था उसने कि ये पूरी डिजिट है, तो 3 से डिवाइड करने पर तो ये वाली चीज़ हट जाएगी और क्या बचेगी, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 बचेगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, इस पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, परीक्षित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है, इसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो बेटा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या करें, अपनी इंग्लिश मीडियम की किताब निकाल लें, उसमें देखें एक बार, मैं आपको सॉल्यूशन ईजिली बता देता हूँ। अभी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमें गिवन दे रखा है। तो जब घनाभ बनाएंगे, हमें से क्यूब बनाने के लिए हमें कितनी घनाभों की आवश्यकता होगी, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो हमें ये देखना है कि 5 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार, हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 1 5 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या 2 कितनी बार है, 1 बार है, तो कितनी बार 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस तरह से 2 2 4 5 20, तो 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। तो कितनी हमें नीड होगी, नीड 20 क्यूबॉइड्स, हमें 20 क्यूबॉइड्स की नीड होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।